हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग चार सेट खत्म कर चुके हैं दृष्टि वाले, जिन्होंने दृष्टि वालों ने जो निकाले थे। अभी पांचवा सेट है अंतिम वार। आपको फिर से बता देता हूँ, ये सभी लेक्चर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019 वाले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है? वहीं पांचों जो सेट लगाए हम लोगों मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 2 घंटे का होता है वो 200 नंबर का होता है, इतना तो आप लोग समझदार हो गए। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा क्या पहला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश के राज्य खेल का नाम क्या है? तो आप लोगों को बताएं, मलखम्ब। सी ऑप्शन सही है, पहले का सी है, ठीक है। IMF का पूर्ण नाम क्या है? IMF का पूर्ण नाम तो याद रखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, बी ऑप्शन। भारत का सबसे पहला पूर्ण डिजिटल राज्य कौन सा है? तो याद रखिए, केरल। तीसरे का है बी। फोर्थ, राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान तो याद रखिए, भोपाल है, भोपाल में। आगे बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? निम्न में से कौन सा मांसाहारी पादप है? तो याद रखिए, नेफेंथीस, नेफेंथीस, ठीक है, ए ऑप्शन। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक, ए ऑप्शन सही है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, ध्वनि नहीं गुजर सकती, ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात से, ठीक है, याद रखिए। सात का है बी, ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात से। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल चीन में है? तो आप लोगों को पता होगा, टकला मकान, तकला मकान। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए, 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस को मनाया जाता है 20 मार्च को, बी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? पूछ रहा है, ये पुस्तक हो गए और ये लेखक हो गए इनके, ठीक है। जिंदगी नामा एक कृष्णा सोबती ने लिखा है, सही है। द शैडो लाइन अमिताभ घोष ने लिखा है। आर्टिकल एंड स्पीच अरुण जेटली ने। बादलों के घेरे किरण दोषी, ये गलत है, डी ऑप्शन है इसमें। 10 का है डी, याद रखिए। 11वां, मध्य प्रदेश में मेट्रो सेवा किन 2 जिलों में शुरू की जा रही है? तो याद रखिए, भोपाल इंदौर। आगे बात करते हैं, 12 क्वेश्चन नंबर, करतारपुर कॉरिडोर किस नदी के किनारे स्थित है? करतारपुर कॉरिडोर किस किनारे, किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी, पूछा जा सकता है, बहुत चर्चा में रहा है ना इसलिए, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। महेंद्र सिंह धोनी को किसका CEO नियुक्त किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को किसका CEO नियुक्त किया गया? तो याद रखिए, गल्फ ऑयल इंडिया, बी ऑप्शन सही है। 14, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना वर्ष क्या है और वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो याद रखिए, 14 का डी है, 1995, 64 है, 164 सदस्य हैं इसमें वर्तमान में। 15, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में बहुजन समाज पार्टी भाजपा को कितनी सीटें मिली? तो आपको पता है, 2 सीटें मिली हैं, कितनी? 2 सीटें, ठीक। 15 का ए है। मध्य प्रदेश वन उपज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मध्य प्रदेश वन उपज अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1969, 1969 बी ऑप्शन है। 16 का बी है, ठीक। 17, कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है? नूर सुल्तान,
कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है? तो याद रखिए नूर सुल्तान। 18 भारत नवाचार सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है तथा 2019 में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो याद रखिए नीति आयोग जारी करती है और इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला हुआ है। भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग जारी करती है, 2019 में कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है। 19 सोलवे सूत्र किस विषय से संबंधित है? सोलव सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये ज्यामिति। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। 20 का ए है। 21 रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। 21 22 गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बी ऑप्शन का 22 का है। ए 23 का समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किससे प्राप्त है? समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो याद रखिए चार्ल्स मेटकॉप। सी ऑप्शन सही है। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त। ए ऑप्शन सही है। भारतीय क्रांति की माता किसे माना जाता है? तो याद रखिए मैडम भीकाजी कामा। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? चोल। 26 का ये चोल। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो याद रखिए 27 का सी धर्मपाल ने। निम्न में से किसे मराठा मैकिया वैली कहा जाता है? तो याद रखिए नानाजी फडणवीस। ये ऑप्शन सही। 29 क्वेश्चन नंबर। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए अफीम की खेती के लिए। 29 का बी है। 30 फाकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो याद रखिए अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच, ठीक है। फाकलैंड द्वीप को लेकर अर्जेंटीना और ब्रिटेन देशों के बीच विवाद है, ठीक है। डी है ऑप्शन 30 का। 31 रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? तो याद रखिए अफगानिस्तान का। एल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया? एल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया? स्पेनिश। सी ऑप्शन है। 33 संकोस नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोस नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो याद रखिए असम अरुणाचल प्रदेश। संकोस नदी असम और अरुणाचल प्रदेश ये राज्यों के बीच सीमा बनाती रेखा बनाती है। बी ऑप्शन सही है। 33 पर। 34 भार चुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो आप लोगों को बता देना है हरियाणा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से ओवरनिष्ठ नहीं होती है? म्यांमार से। नागालैंड मिजोरम अरुणाचल प्रदेश असम की नहीं होती है, ठीक है। 36 का है ए। 37 ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, याद रखिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, ठीक है। 38 का ए। विद्युत बल का फिलामेंट किससे बना है? तो याद रखिए टंगस्टन। डी ऑप्शन है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड। गोबर गैस से प्रमुखता क्या होता है? तो याद रखिए मैथेन बनती है, ठीक है।
डी ऑप्शन सही है 41 का। 42, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फॉस्फाइड, डी ऑप्शन है 42 का। 43, टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है, याद रखिए जलजन्य रोगों के। 44, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? ओ, ग्राही ए भी होता है, ठीक है, दाता होता है ओ। 44 का बी सही है। द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी? द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिए पीसी अलेक्जेंडर, बी ऑप्शन है 45 का। वर्ष 2019 में कौन से दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो याद रखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 46 का ए, ठीक है। 47, निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? निम्न में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो याद रखिए चीनी उद्योग को, चीनी उद्योग को। लोक ऋण अधिनियम कब पारित हुआ? लोक ऋण अधिनियम कब पारित हुआ? तो याद रखिए 1944 में, 1944 में। वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो याद रखिए बी रंगराजन समिति। वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई? रंगराजन समिति। 50 क्वेश्चन नंबर, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो याद रखना पीसी महाल नोविस, ठीक है, सी ऑप्शन है 50 का। 51, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। भारत में मुद्रा को मुद्रास्फीति को मापा जाता है, याद रखिए थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो याद रखिए बी आर मेहता, ठीक है, 53 का सी है। भारत में अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिए नई दिल्ली में। भारत में अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान दिल्ली में स्थित है, ठीक है। 55, कैम्ब्रिज नियम का संबंध किस खेल से है? कैम्ब्रिज नियम का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। 55 का है बी। गरुण पकड़ शब्द का संबंध किस खेल से है? गरुण पकड़ संबंध का किस खेल से है? तो याद रखिए गरुण पकड़ सी मलखम्ब से, ठीक है। अब हमारा 57 क्वेश्चन, मोनिका बत्रा का संबंध किस खेल से? मोनिका बत्रा का संबंध किस खेल से? तो आप बता देना है टेबल टेनिस। बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंध है? बुल्स आई संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी। 59वां क्वेश्चन, G20 का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? G20 का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना ओसाका, ओसाका जापान। हाल ही में चर्चित वियना कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो आपको बता देना है राजनयिकों की सुरक्षा में कानून के पालन से तथा कानूनी सहायता प्रदान करने से, ठीक है। 61, वैश्विक ऊर्जा संकट सूचकांक कौन जारी करता है? तो याद रखिए विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच करता है। 62, हाल ही में चर्चा रहे आभासी मुद्रा पर अंतर मंत्रालयीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो याद रखना सुभाष चंद्र गर्ग। हाल ही में चर्चा में रही आभासी मुद्रा पर अंतर मंत्रालयीय समिति की स्थापना सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में किसके की द्वारा की गई है? ठीक है, डी ऑप्शन है 62 का। 63, 66वें फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस फिल्म के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो याद रखिए उरी के लिए द सर्जिकल स्ट्राइक, द उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, ये ऑप्शन सही है 63 का। 64, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो याद रखिए लाल रंग का।
64 का ये है। पैंसठ, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का शब्द संदर्भित है, याद रखिए, सी गायों के लिए, गाय के लिए। तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तो याद रखिए विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, कौन कौन, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा, ठीक। 67, ऑपरेशन रूबी, रूबी कौन पर कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग लाया जाना था, तो याद रखिए जेल में गांधी का आमरण अनशन, 67 का ए, ठीक है। 68, खमीर एक उदाहरण है, खमीर एक उदाहरण है किसका, कवक का, खमीर कवक का उदाहरण। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, पॉलीग्राफ, ये ऑप्शन है 69 का। 70, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी, ग्वालियर, सी ऑप्शन है, जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में, मृत्यु कहाँ हुई थी, ग्वालियर, सी ऑप्शन है 70 का। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन नदियाँ उत्तर की ओर बहती हुई, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन नदियाँ उत्तर की ओर बहती हुई यमुना में मिलती हैं, तो डी ऑप्शन है 71 का, ठीक। उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे है स्थित, याद रखना छिप्रा, सी ऑप्शन है 72। 73, मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य को बब्बर सेल के लिए तैयार किया गया, मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य को बब्बर सेल के लिए तैयार किया गया, कूनो, पालनपुर, मध्य प्रदेश का हीरा जिला है, तो याद रखना पन्ना। 74 का है सी, 73 का सी था, 74 का सी है। मध्य प्रदेश का नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 76 क्वेश्चन नंबर, जहाज महल कहाँ स्थित है, जहाज महल कहाँ स्थित है, तो याद रखना मांडू में, ठीक है, 76 का सी। 77, महेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित एक सुंदर महेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित एक सुंदर शहर है, तो याद रखना नर्मदा, बी ऑप्शन है। हंसते हैं रोते हैं किसकी कृति है, हंसते हैं रोते हैं किसकी कृति है, 78 का बी, हरिशंकर परसाई। 79, भगोरिया हाट किस जिले में लगता है, भगोरिया हाट किस जिले में लगता है, याद रखिए झाबुआ में, सी ऑप्शन है 79 का। 80, मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो याद रखिए महू में, बी ऑप्शन है सही। 80 का, कौन सी जोड़ी गलत है, 81 क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी गलत है, तो याद रखिए नेहरू स्टेडियम कहाँ है, इंदौर में, होलकर स्टेडियम ये गलत है, ठीक है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में, तो याद रखिए इसमें गलत पूछा रहा है, तो ए सी और डी सही है, बी ऑप्शन गलत है इसमें, ठीक है, होलकर स्टेडियम अपना इंदौर में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर व्यक्ति वाला जिला है, सर्वाधिक साक्षर व्यक्तियों वाला जिला है, तो याद रखिए बी ऑप्शन जबलपुर, ठीक है। 83, को निवाड़ का पेरिस कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो बड़वानी को निवाड़ का पेरिस कहते हैं, 83 का भी है। 84, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत पश्चातवर्ती दोष सिद्धि शास्ति का उपबंध है, तो याद रखना है 11 में, धारा 11, 84 का ए है, 84 का ए है। 85, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अपराध संज्ञेय और संक्षिप्त विचारणीय होगा का उपबंध किया गया, धारा 15, 85 का भी है। 86, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में साक्षी को परिभाषित किया गया, साक्षी को परिभाषित किया गया, तो याद रखिए धारा रा घा में, 2 रा घा में, ठीक है, ये है।
आपको बता दें, हम लोगों ने तीनों ये लेक्चर एमपी स्पेशल को बहुत ही डीपली से देखा हमने, ठीक है। वो सभी आपको लेक्चर उसमें एमपी स्पेशल में जीके में मिल जाएंगे। और 1955 वाला एक्ट, 1989, 1993, ये सभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, ये भी उसी में डले हुए हैं, ठीक है, एमपी स्पेशल। चलिए बात करते हैं आगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा में नोडल अधिकारी का नाम निर्देशन उपबंध है? तो याद रखिए 87 ए, धारा 9 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के निम्नलिखित में से किस धारा में नोडल अधिकारी का नाम निर्देशन का उपबंध है? ठीक है, पता है ये 1995 की आपको अगर नई जानकारी है तो एमपीपीएससी के नाम से अपने एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें 2013 से 2018 तक 100 पेपर डले हुए हैं, और उसी में एसटीएससी अधिनियम 1989 है, उसमें हम लोगों ने एसटीएससी को भी देखा था, अधिनियम को 1995 वाले को भी देखा था, ठीक है। एमपीपीएससी जो अपनी लिस्ट बनी हुई है उसी में डला हुआ है ये लेक्चर, ठीक। चलिए 88वां क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसको धमकी देगा, वह किसी अवधि के कारावास से दंडित होगा। तो याद रखिए 88 ए है, जिसकी अवधि 6 माह से कम ही की नहीं हो सकती, किंतु जो 5 वर्ष तक की सजा होगी और प्लस जुर्माना होगा, ठीक है, ये ऑप्शन है। 89 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम में 1989 में कुल कितने अध्याय हैं? तो आपको पता होगा 5 अध्याय हैं, 23 धाराएं हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही का प्रावधान है? विधि और व्यवस्था तंत्र का द्वारा निवारक कार्यवाही का प्रावधान है, तो याद रखिए बी, धारा 17। 91 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के विशेष राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विशेष लोक अभियोजक भी निर्दिष्ट करेगी, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति में कौन शामिल नहीं होता, शामिल होता है पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिए प्रधानमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्य गृह का मंत्री, ये तीनों नहीं होते हैं, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के में शामिल होते हैं, ठीक है, नियुक्ति में, और राष्ट्रीय में प्रधानमंत्री होता है केवल इसमें से, ठीक है। 93 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में निम्नलिखित अध्याय 52 के प्रावधानों में से कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, याद रखिए ना ही है पूछ रहा है, तो याद रखिए 93 का होगा अपना बी, मानवाधिकार न्यायालय, ये अधिकार अध्याय 6 में है, ठीक है, और अध्याय 8 में विविध है, ठीक है, संबंध अध्याय 7 किससे संबंधित है, वित्त लेखा और संपरीक्षा से, अध्याय 5 राज्य मानवाधिकार से, अध्याय 4 प्रक्रिया से, ठीक है। 94 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 के संबंध में सही कथन कौन से हैं? तो याद रखिए इसमें उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। कंपनी से कोई निगमित निगमित निकाय विभेद कंपनी के अंतर्गत फार्म या व्यक्ति बेष्टियों का अन्य संगम भी फार्म के संबंध में निदेशक से फर्म का भागीदार, ठीक है, सभी होंगे। 94 का डी है। 95 अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 22 के दिन सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही, तो याद रखिए 95 में सी होगा, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के विरोध नहीं होगी, ठीक है, 95 का सी है। 96 मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय, तो आपको बता देना है भोपाल, 96 का सी है। 97
मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? तो याद रखिए सितंबर 1995 में। निम्नलिखित में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिए बजरंग पूनिया कुश्ती से संबंध है, दीपा मलिक है जो पैरा एथलेटिक्स हैं, ठीक है याद रखिए बजरंग पूनिया किससे संबंधित है? कुश्ती से। दीपा मलिक किससे संबंधित? पैरा एथलेटिक्स, ठीक है सी ऑप्शन है 98। 99 बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता के सहयोग से भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस राज्य में होगी? तो याद रखिए राजस्थान में, ये ऑप्शन थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश ने हाल ही में फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की शपथ ली है? तो याद रखिए जस्टिन मदन बी लोकुर ने, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा पांचवा सेट, जितने सेट 5 सेट निकाले थे उसने दृष्टि ने, हम लोगों ने 5 ही सेट खत्म कर लिए।